बीजेपी एमएलए गणेश नाइक की मांग, मनपा को ट्रांसफर करो अंडरपास, सभी भूमार्गों का सर्वेक्षण कराने पर दिया जोर। नवी मुंबई में रेल पटरियों के नीचे बने अंडरपास कभी भी जानलेवा खतरा बन सकते हैं, ऐसी आशंका जताते हुए बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने सभी अंडरपास का सर्वेक्षण कराने की मांग की है। गणेश नाइक ने कहा कि नवी मुंबई में जितने भी अंडरपास बनाए गए हैं वे सब 15 से 20 साल पुराने हैं और ट्रेनों की आवाजाही से जर्जर हो गए हैं, इसलिए कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। उन्होंने नवी मुंबई मनपायुक्त अभिजीत बांगर से इन भूमिगत मार्गों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने और सिडको से हस्तांतरित कराने की मांग की है। स्वच्छ भारत योजना अंतर्गत शहरामध्ये प्रत्येक नोड गाव आणि झोपट्टी परिसरामध्ये वॉर्ड गणिक आपण स्वच्छतेची मोहीम घेतलेली आहे आणि निश्चितपणे त्या योजनेमध्ये सहभागी झालेले अधिकारी कर्मचारी या लोकांनी इतक्या वर्षात मेहनत केली म्हणून गेल्या वर्षी आपल्याला देशात तिसरा नंबर मिळाला, राज्यात सातत्याने पहिला नंबर मिळतो, परंतु तेवढा आनंद देणारा नाही आहे। देशामध्ये एक नंबर का मिळू नये याकरता जी सतर्कता दाखवली पाहिजे त्याकरता सगळ्या म्हणजे सबवेमधून जाणारे काही मार्ग असतील, आयलँड्स असतील, कानाकोपऱ्यातल्या काही असलेल्या म्हणजे गल्ले असतील, त्या सर्वच ठिकाणी स्वच्छता ठेवावी म्हणून आम्ही मागणी केलेली आहे। गौरतलब आहे की बीजेपी विधायक गणेश नाईक ने जो मांग की है वह बेहद गंभीर है। रेल लाइन के विकास के दौरान सिडको द्वारा निर्मित सानपाड़ा, सिरौने, घनसौली, कोपरखेरने और रबाले समेत कई अंडरपास ऐसे हैं जहां अक्सर पानी भरता है और छत दरकती है। ऐसे में मुंबई के रेलवे ब्रिज की तरह यहां हादसों की आशंका है। देखना होगा कि मनपायुक्त पूर्व मंत्री की मांग को कितनी गंभीरता से लेते हैं और भूमार्गों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कब करवाते हैं। नवी मुंबई में महानगर पालिका और सिडको ऐसे दो प्राधिकरण हैं जो लोगों के और नवी मुंबई के विकास कार्यों को ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार इनकी वजह से सिविक फैसिलिटी पर असर भी पड़ता है। आप देख रहे हैं कोपरखैरने अंडरपास, नवी मुंबई में ऐसे कई अंडरपासेस हैं जो सिडको के अंडर आते हैं, लेकिन सिडको ने उनका सही से रखरखाव नहीं किया है जिसके कारण लोगों को आने जाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई जगह पर तो सड़क टूट गई है और कई जगहों पर तो अंडरपास से गटर का पानी भी बहने लगा है, उसके बावजूद उस पर रखरखाव का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए स्थानीय विधायक गणेश नाइक ने महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से मांग की है कि इन ऐसे अंडरपासेस का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए और उसके बाद उन्हें महानगर पालिका के कब्जे में लेकर के उनका कॉन्ट्रैक्ट दे करके उनका रखरखाव महानगर पालिका करे जिससे लोगों को होने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं पुरुषोत्तम कनौजिया, टीवी1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।